इस वीडियो में जानेंगे वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के प्रश्न पेपर को। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, मिट्टी का ऊपरी उपजाऊ परत का नष्ट होना खाली स्थान कहलाता है। इस खाली स्थान में आएगा मृदा अपरदन। मिट्टी का ऊपरी उपजाऊ परत का नष्ट होना मृदा अपरदन कहलाता है। दूसरा खाली स्थान है, खाली स्थान के दहन से ज्वाला उत्पन्न होती है। इसमें आ जाएगा दहनशील। दहनशील के दहन से ज्वाला उत्पन्न होती है। तीसरा है, खाली स्थान भंगुर होता है। इस तीसरा खाली स्थान में आ जाएगा अधातु भंगुर होती है। चौथा है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष खाली स्थान को कहते हैं। इस खाली स्थान में आएगा कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्रक को कहते हैं। पांचवा है, उत्कृष्ट धातुएं सामान्यतः खाली स्थान होती है। इस खाली स्थान में आएगा। प्रश्न दूसरा, सही विकल्प चुनिए। इनमें पांच प्रश्न है, पांचों में चार चार ऑप्शन है, जिनमें से सही ऑप्शन को चुनना है। पहला है, शुष्क बर्फ है। इसका सही ऑप्शन होगा चौथा, ठोस CO2। दूसरा है, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा पहला, लोहा। तीसरा है, निम्न में से किस ग्रह के उपग्रह नहीं है। तो तीसरा का चौथा सही ऑप्शन है बुध। चौथा है, मनुष्य की श्रव्य सीमा होती है। इसका सही ऑप्शन है 20 से 20,000 हर्ट्ज। पांचवा है, मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला रोगाणु है। तो पांचवा का सही ऑप्शन है तीसरा, प्रोटोजोआ। प्रश्न तीसरा, उचित संबंध जोड़िए। पहला है ड्यूरेलुमिन, जिनका सही ऑप्शन होगा वायुयान के भाग। दूसरा है स्टेनलेस स्टील, इसके सही संबंध है शल्य चिकित्सा के उपकरण। तीसरा है फास्फोरस, इसका सही संबंध होगा माचिस। चौथा है क्लोरीन, जिसका सही ऑप्शन होगा जीवाणुनाशी। पांचवा है सोना, जिसका सही संबंध होगा आभूषण। आगे प्रश्न चौथा, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न पांचवा, सूर्य हमें सबसे बड़ा और सबसे चमकदार क्यों दिखाई देता है। प्रश्न छठवा, हमारे चारों ओर कार्बन किन किन रूपों में पाया जाता है। प्रश्न सातवा, लेंस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न आठवा है, प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, कोई दो उदाहरण द्वारा समझाइए। तो इसमें चौथा से सातवा तक दो दो अंक का प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न आठ तीन अंक का प्रश्न है, और ये प्रश्न नौ, फलीदार पौधे मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाता है, ये भी तीन अंक का प्रश्न है। प्रश्न दसवा है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसे दूर कैसे किया जाता है। प्रश्न ग्यारह है, पादप कोशिका या जंतु कोशिका का चित्र बनाकर कोशिकांगों के नाम लिखिए। प्रश्न बारहवा, यदि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाए तो क्या होगा। प्रश्न तेरह है, वायु प्रदूषण के विभिन्न कारण लिखकर उसे रोकने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, लिखिए। तो प्रश्न आठ से लेकर बारह तक तीन तीन अंक की प्रश्न है। आगे है प्रश्न तेरह, वायु प्रदूषण के विभिन्न कारण लिखकर उसे रोकने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, लिखिए। अथवा धातु और अधातु में भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर तीन तीन अंतर लिखिए। ये चार अंक की प्रश्न है। प्रश्न चौदह, अपररूपता से आप क्या समझते हैं, कार्बन के विभिन्न अपररूप कौन कौन से हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। अथवा रासायनिक क्रियाशीलता श्रेणी से आप क्या समझते हैं, आभूषण बनाने के लिए सोने व चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है, इन दोनों को लिखना है। प्रश्न पंद्रह, टिप्पणी लिखिए, माइटोकांड्रिया सेंट्रोसोम, तो इनमें या तो इन दोनों पर टिप्पणी लिखना है, अथवा विषाणु अन्य जीवों की तुलना में विचित्र जीव क्यों कहलाते हैं, इसका उत्तर लिखना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।